हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने नायलॉन के खोज को पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने मेन पढ़ा था कि नायलॉन के जो जन्मदाता है वो डॉक्टर बेलेस कैरोथर्स को माना जाता है और उनके अन्य साथियों को। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नायलॉन निर्माण की प्रक्रिया। नायलॉन निर्माण की प्रक्रिया में सबसे बड़ा जो भूमिका होता है वो होता है पॉलीमराइजेशन की क्रिया का, यानी कि बहुलकीकरण का। जो पॉलीमराइजेशन की क्रिया है वो एक रासायनिक एवं जटिल क्रिया है, बहुत ही सघन क्रिया मानी जाती है जो पॉलीमराइजेशन की क्रिया है। तो इस क्रिया को करने के लिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो नायलॉन है उसमें भी प्रोटीन के कुछ अंश पाए जाते हैं, जैसे कि वो भी ऊन और रेशम के ही समान है। तो इसलिए उस इस पॉलीमराइजेशन की जो क्रिया है, इस जटिल क्रिया में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निश्चित व नियंत्रित अनुपात में मिलाया जाता है और कोलतार पेट्रोलियम अन्य रासायनिक पदार्थ यानी कि हेक्सामिथिलीन डायमीन एपिडिक एसिड को ज्वार और मक्के के छिलकों से बनाया जाता है, इसलिए इसे अन्य रासायनिक पदार्थ के रूप में रखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को परफेक्ट रूप में बनाने के लिए जब भी किसी भी रासायनिक तत्वों से, रासायनिक पदार्थों से जब हम अभिक्रिया कराते हैं, तो जब तक हम उसको संतुलित मात्रा में अभिक्रिया नहीं कराते तब तक वो परफेक्ट नहीं बनता है। इसलिए जब नायलॉन का जो सूत्र निर्माण किया गया उसमें भी हम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निश्चित व नियंत्रित रूप में मिला करके उसका एक मिश्रण तैयार करते हैं, और मिश्रण को हम नायलॉन साल्ट के निर्माण, फिर जो ये मिश्रण हम लोग तैयार करते हैं उससे एक नायलॉन साल्ट का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि जो हेक्सामिथिलीन डायमीन एपिडिक एसिड है ये ज्वार और मक्के के छिलके से बना होता है। ठीक है, उन सभी को एक में मिलाते हैं और उससे नायलॉन साल्ट का निर्माण करते हैं। अब जब सभी मिश्रण को आपस में मिला लेते हैं तो वो नायलॉन साल्ट का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से नायलॉन साल्ट का निर्माण हो जाता है। नायलॉन साल्ट का निर्माण होने के बाद आटोक्लेव में गर्म करते हैं। आटोक्लेव जो होता है वो एक पात्र होता है जिसमें कि नायलॉन बनाने की प्रक्रिया करी जाती है, तो उसमें गर्म करते हैं। जब ये गर्म हो जाते हैं तो वो जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो आपस में मिलकर के अणुओं की एक बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं। जब हम लोग किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग पानी को गर्म करते हैं या फिर रबड़ी बनाते हैं, तो उसको जब गर्म करते हैं तो पहले छोटे छोटे बुलबुले, तो जब उसको गर्म करते करते क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि वो एक ठोस आकार ले लेता है। जैसे दूध से अगर हमें रबड़ी बनाना हो या फिर केक ही बनाना हो, तो जब हम उसको क्या करते हैं, एक निश्चित मात्रा में, हम लोग सबसे अच्छा और सरल उपाय देखेंगे, एक मान लीजिए केक बनाना हो तो जब हम केक बनाने के लिए क्या करते हैं, एक निश्चित मात्रा में सामग्री को डालते हैं। ठीक है, तो निश्चित मात्रा में उसकी कंसिस्टेंसी भी हम लोग तैयार करते हैं, उसका घोल तैयार करते हैं, और फिर उसको जब हम लोग एक पात्र में रख करके जब गर्म करते हैं तो पहले छोटे छोटे बुलबुले, ये जो अणु होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और फिर यही अणु बड़े हो करके गर्म करने पर आपस में सट जाते हैं और एक श्रृंखला, मतलब बड़ी श्रृंखला की तरह बन जाते हैं, वो आपस में जुट जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो नायलॉन की प्रक्रिया थी उसमें भी नायलॉन साल्ट का निर्माण होता है जब सभी अणुओं को समान मात्रा में नियंत्रित दाब पर मिला लिया जाता है, तो और उसे आटोक्लेव में जब गर्म किया जाता है तो उसके जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो आपस में मिलकर के एक बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं। ओके, जब वो बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं तो इस प्रक्रिया को हम
क्या कहते हैं, लीनियर सुपर पॉलीमर, यानी कि वो फिर जब बड़ी श्रृंखला में बदल जाता है तो उसका नाम अब लीनियर सुपर पॉलीमर बन जाता है, ठीक है। जब ये लीनियर सुपर पॉलीमर बन जाता है तब इसको कास्टिंग व्हील में बहा करके एक रिबन तैयार किया जाता है, यानी कि एक पाइप से बहा करके और एक रिबन का रूप दिया जाता है, और रिबन का रूप देने के बाद उस पर ठंडा पानी डाला जाता है। ठंडा पानी इसलिए डाला जाता है ताकि वो जम जाए, क्योंकि लाइक हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए, हाँ, एक कोई प्लास्टिक को अगर जलाइए तो वो क्या है, ताप के संपर्क में आकर के बहुत ही चिपचिपा पदार्थ, तरल पदार्थ की तरह बन जाता है, लेकिन जब उस पे हम पानी डालते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, जम जाता है। तो उसी तरह से जो कास्टिंग व्हील में बहा करके रिबन तैयार किया जाता है वो काफ़ी लचीला होता है, इसलिए उस पर ठंडा पानी डाला जाता है ताकि वो जम जाए। यहाँ तक ठीक है, क्लियर। रिबन पर ठंडा पानी पड़ने से वो जम जाता है। अब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट लेते हैं। नायलॉन के छोटे छोटे जो टुकड़े कटे होते हैं उसको हम फ्लैक्स कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इस फ्लैक्स को पुनः गर्म करके पिघलाया जाता है, और फिर उसको स्पिन रेट के छिद्र से निकाल करके नायलॉन के रेशे का निर्माण कर लिया जाता है। यानी कि जो पानी पड़ने पर उसको रिबन होता है वो जम जाता है, फिर जम जाता है तो उसको काट लिया जाता है। काटने के बाद मतलब कि उसके छोटे छोटे जो टुकड़े उसको फ्लैक्स करते हैं, उस फ्लैक्स को तभी पिघलाया जाता है जब हमें उन मतलब सूत की आवश्यकता होती है, तंतु की आवश्यकता होती है वस्त्र को बनाने के लिए। तो इस प्रकार से स्पिन रेट के छिद्र से निकाल करके जब भी आवश्यकता होती है उसको पिघला कर और स्पिन रेट के छिद्र से निकाल करके रेशे को तैयार कर लिया जाता है, तो नायलॉन का रेशा तैयार हो जाता है। एक बार हम लोग इसको रिकॉल करेंगे। जो नायलॉन निर्माण की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले हम लोग पॉलीमराइजेशन की क्रिया को करते हैं। पॉलीमराइजेशन जो क्रिया है वो बहुत ही जटिल श्रृंखला के रूप में है, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो निश्चित अनुपात में उसके अणुओं को निश्चित अनुपात में मिला करके तैयार किया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसके अलावा कोल तार एवं पेट्रोल अथवा हेक्सामिसिडिन और एपिडिक एसिड को मिला करके इसका निर्माण किया जाता है। तो मतलब उसको मिला करके एक क्या बनाया जाता है, मिश्रण तैयार किया जाता है। फिर उस मिश्रण को हम नायलॉन साल्ट का नाम देते हैं। फिर नायलॉन साल्ट को उस पे आटोक्लेव में पिघलाया जाता है। फिर उसके छोटे छोटे जो अणु होते हैं उसको बड़े श्रृंखला के रूप में परिवर्तित किया। जब बड़े श्रृंखला के रूप में परिवर्तित होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग उसको हम लोग लीनियर सुपर पॉलीमर के नाम से जानते हैं। फिर लीनियर सुपर पॉलीमर को हम लोग क्या करते हैं कि कास्टिंग व्हील में उसको कास्टिंग व्हील में बहा करके निकाला जाता है। तो जब कास्टिंग व्हील में बहा करके निकाला जाता है तो वो एक रिबन की भांति निकलता है। जब रिबन की भांति निकलता है तो वो काफी लचीलापन होता है और उसमें बहुत सी तन्यता होती है, तो इसलिए उस पे फिर ठंडे पानी को डाला जाता है। जब ठंडे पानी को डाला जाता है तो वो जम जाता है, ठोस आकार ले लेता है। तो जब वो ठोस आकार ले लेता है, जम जाता है, तो फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। फिर जो उसके छोटे छोटे टुकड़े कटे हुए होते हैं उसको हम लोग फ्लैक्स करते हैं। फिर नायलॉन के छोटे टुकड़ों को जब आवश्यकता होती है हमें नायलॉन के तंतु को, तो उसको पुनः गर्म कर करके स्पिन रेट के छिद्र से निकाल करके और नायलॉन के रेशे को तैयार कर लिया जाता है। तो ये है नायलॉन निर्माण की पूरी प्रक्रिया। ओके, समझ में आ गया? रेशों को खींचना, यानी कि ड्राइंग आउट की प्रक्रिया। जब रेशे का निर्माण हो गया रहता है तो वो कड़ी अवस्था में होता है, तो उसमें नरम एवं मुलायम बनाने के लिए हम लोग कंडीशनर का प्रयोग करते हैं। कंडीशनर
कंडीशनर का प्रयोग करके उसको मुलायम बना लिया जाता है। अब नेक्स्ट प्रक्रिया जो होती है वो है रेशों को खींचना, ड्राइंग आउट करना। ड्राइंग आउट की प्रक्रिया में जो रेशा होता है नायलॉन का वो अपनी मूल लंबाई से 7 से 8 गुना बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है नायलॉन की जो लंबाई होती है उसकी बारीकी का अध्ययन हम डेनियर से करते हैं, मतलब कि नायलॉन की बारीकी का अध्ययन डेनियर से किया जाता है। 12 डेनियर का धागा सबसे मजबूत माना जाता है, यानी कि 12 डेनियर का जो धागा है वो सबसे मजबूत होता है। तो इसके अनुसार जितने डेनियर का धागा चाहिए होता है उतना, जितना बारीक धागा चाहिए होता है उतने डेनियर का प्रयोग किया जाता है। उसमें 12 डेनियर का धागा सबसे मजबूत होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा चमक को कम करना। चूँकि नायलॉन कृत्रिम रेशा है इसलिए इसमें बहुत चमक होती है, बहुत मतलब उस वो फ्लेक्सिबल होता है, चमक होता है बहुत ज़्यादा। तो उसको कम करने के लिए टिटेनियम डाई ऑक्साइड, बोरियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नायलॉन के धागे में चमक को कम करने के लिए टिटेनियम डाई ऑक्साइड, बोरियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी रासायनिक पर अभिक्रियाओं को करा करके जो नायलॉन के धागे होते हैं उसमें से चमक को कम कर दिया जाता है। क्लियर है? नायलॉन के वस्त्र की परिसज्जाएँ, जिस प्रकार से अन्य वस्त्रों पर परिसज्जा दिया जाता है उसमें फिनिशिंग लाने के लिए, उसी तरह से नायलॉन के वस्त्रों पर भी परिसज्जा दिया जाता है। उसमें से पहला है एंटी स्टेटिक परिसज्जा। एंटी स्टेटिक परिसज्जा नायलॉन के वस्त्र पर इलेक्ट्रो स्टेटिक स्थिति को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नक्काशी करना। जो नायलॉन के वस्त्र होते हैं उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, उस पर नमूने या डिजाइन बनाने हेतु उसको नक्काशी की परिसज्जा दिया जाता है। उसमें स्थिरीकरण, स्थिति एवं आकार को बनाए रखने के लिए उस पर उसमें स्थिरीकरण की परिसज्जा दिया जाता है। मोयरिंग, जो नायलॉन के वस्त्र होते हैं उसको और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मोयरिंग की परिसज्जा करी जाती है। जल निवारक, जल के प्रति सुरक्षा प्रदान करने हेतु जल निवारक परिसज्जा दी जाती है। चूँकि नायलॉन का जो वस्त्र है वो अधिक अवशोषक नहीं होता है इसलिए इस दोष को हटाने हेतु नायलोनाइजिंग की प्रक्रिया करी जाती है, यानी कि नायलॉन को वो अवशोषक नहीं होता है इसलिए इस दोष को हटाने के लिए नायलोनाइजिंग की प्रक्रिया करी जाती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉच।